देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ते दिख रही है, जिससे अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलती नजर आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज और कल के लिए कोल्ड डे की स्थिति का अनुमान लगाया जा चुका है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत होते भी दिख चुकी है। वहीं बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड का दौर बीते कई दिनों से लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में मंगलवार को लगातार छठा ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ, तो वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिल्ली में 22 जनवरी से दो दिन भारी बारिश के अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में ज़्यादातर हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है। हालांकि इसमें तुलनात्मक रूप से 1 या 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में की बात की जाए, तो मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है और कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी होते दिख भी रही ही है। 21 और 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। यहीं से नज़र डालें अगर महाराष्ट्र पर, तो महाराष्ट्र में मौसम वैज्ञानिकों ने एक सप्ताह तक तापमान के बढ़ने का अनुमान लगाया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह से तापमान लुढ़कना शुरू हो जाएगा। मौसम में बदलाव की वजह पूर्वी अरब सागर में बना मामूली कम दबाव का क्षेत्र बताया जा रहा है। इससे हवा का रुख बदल गया है। पूर्व से बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा में नमी अधिक होती है, इस वजह से मुंबई का तापमान बढ़ने लगा है। 23 जनवरी के बाद हवा में बदलाव का अनुमान है। वहीं पंजाब में आज से आसमान में बादल छाए रहने का मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में 21 जनवरी से बारिश की संभावना है। बारिश के बाद ही ठंड से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। बीते दिन राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे और सुबह के समय कोहरा भी देखने को मिला। वहीं बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को पटना, गया, सारण समेत पूर्वी चंपारण में कोल्ड डे घोषित किया गया था। IMD के मुताबिक राज्य में अगले 48 घंटों में बर्फीली हवाओं से राहत मिलते हुए नहीं दिखाई देगी। राज्य में मंगलवार अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। ब्यू रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।